नमक डलेगा स्वाद अनुसार। ये बात ही बात है। अभी कितनी देर अपन पकाएंगे इसको ऐसा? 20 मिनट लगेंगे पकने में इसको। अभी अब इसको ऐसा रख दिया है इसको पैक करके। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे अपने तोते उड़ाने के लिए यहाँ पर तालाब के किनारे पर। यहीं पर हमें एक नजर आया, यहाँ पर एक आदमी एक औरत है यहाँ पर खाना बना रहे हैं तालाब के किनारे पर ही बैठकर, एक चूल्हा जला रहे हैं उस पर रोटी वगैरह बन रही है। चलिए जानते हैं इनकी चलकर कहानी क्या है क्या नहीं है, तो आइए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर जी, आप रोजाना बनाते हैं यहाँ पे खाना क्या? अच्छा रहते कहाँ हैं? अच्छा कहाँ के रहने वाले आप? छिंदवाड़ा। अच्छा छिंदवाड़ा, यहाँ कैसे? मजदूरी करने आए। अच्छा मजदूरी। चलिए दोस्तों यहाँ पर अंकल और आंटी अपना खाना तैयार कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक तरह से जहाँ पर आपका कोई किचन नहीं है और ना ही आपके पास गैस चूल्हा है और आपके पास कोई खाना पकाने का सही इंतजाम भी नहीं है, तो उसके बिना आप किस तरह से अपना खाना तैयार कर सकते हैं? आज क्या बना रहे हैं खाने में? मुर्गा। बढ़िया। और ये किस चीज की रोटी है? ये वाली काय की रोटी है? गेहूं की? गेहूं की। काफी मोटी मोटी दिख रही है ये, देख रहे हैं। तो अंकल कितनी देर में तैयार हो जाएगी सब्जी? 15 मिनट में तैयार। 15 मिनट में? चम्मच नहीं है आपके पास? चम्मच है, साथ वालों ने खाना पकाया, हमने ले लिया। अच्छा साथ वालों ने ले लिया आपका चम्मच? पकाया खाना भी किधर? इधर। अच्छा इनके साथ ही उधर भी हैं उस तरफ, तो उन्होंने चम्मच ले गए, तो अभी यहाँ पर छुरी से काम चला रहे हैं। आपको तो काफी सारी सब्जी बनाना आती होंगी, कौन कौन सी बना लेते हैं? अच्छा होटल वगैरह पे नहीं लेते आप खाना वाना? सेम हो जाता है तो होटल से भी ले लेते। क्या हो जाता है? काम पे से लेट हो जाता है। अच्छा काम से देर हो जाती है तो आप होटल से खाना ले लेते हैं। कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती आपको? चलिए मसालों का टाइम हो गया है। मसाले में क्या क्या अपने पास? मिर्ची, लाल मिर्च। ज्यादा नहीं हो जाएगी? पानी तो साफ होगा आपका है ना? ये पानी उधर से लेके आते हैं, दूसरी जगह से। बस तालाब का तो गंदा रहता है। नहीं तालाब का नहीं। भाईजान नहीं लेके आया था, उसके पास काम करता तो उन्होंने दे दिया था। पका लो बोले। अच्छा अच्छा भाईजान जिनके पास आप काम करते हैं उन्होंने दिया था। बढ़िया है। फिर मतलब शाम से पहले पहले यहाँ से आप निकल जाते हैं खाना बना के? मतलब इससे आसानी हो जाती है कि आप यहाँ पे लकड़ी वगैरह मिल जाती है और खुले में आप चूल्हा जला लेते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आके बनाते हैं खाना, है ना? अभी क्या डाला अपन ने? हल्दी है। हल्दी। अब नमक डलेगा स्वाद अनुसार। पानी ज्यादा नहीं होगा अंकल? नहीं वो कम हो जाएगा। अच्छा पकने के बाद और कम हो जाएगा। अभी कितनी देर अपन पकाएंगे इसको ऐसा? 20 मिनट लगेंगे पकने में इसको। अभी अब इसको ऐसा रख दिया है इसको पैक करके। चलिए यहाँ पर चाय वाले आए हुए हैं भाई, 5 चाय भर दीजिए आप। तो दोस्तों अभी अपनी सब्जी तैयार होने में टाइम लग रहा है, जब तक अपन चाय वगैरह ले लेते हैं और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अंकल से अपन। यहाँ के नज़ारे तो काफी अच्छे लग रहे हैं, मतलब तालाब के किनारे बैठे हुए अपन और सब्जी पकाएं, कितना अच्छा लग रहा है ना? खुले एरिया में काफी मजा आता है। तो अभी आज कहाँ काम लगा था आपका? नहीं लगा आज, नहीं लगा। मतलब डेली आप पीठे पे जाते हैं और वहाँ पर साथ खड़े होते हैं, तो वहाँ पर लोग आते हैं आपको मतलब मजदूर लेने के लिए, तो वहाँ से आप चले जाते हैं। तो आप डेली का कितना खर्चा लेते हैं एक दिन की मजदूरी का? एक दिन का मजदूरी का 300-350। 300-350 मजदूरी मिल जाती है आपकी? तो आपका रोजाना मजदूरी लगती है यानी कि? नहीं लगता है। रोजाना नहीं लगती? ठेकेदार अभी तक ऐसे नहीं मिला जिसका परमानेंट काम हो तो चलता रहे? 12 महीने काम था उसके पास में। अच्छा ठेकेदार के पास था? हाँ वो कंपनी
काम खत्म हो चुका है तो हमको छुट्टी दे दी। ठेकेदार के पास जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया तो अब उसके पास काम नहीं बचा तो इसलिए इनको छुट्टी पे छोड़ दिया। आप लोग अभी खाना यहीं खाएंगे या लेकर जाएंगे? खाना पका के। अच्छा खाना ले जाके वहाँ जहाँ सोएंगे रात को तो वहीं जाकर खाएंगे। ये देखिए आप सब्जी तैयार हो चुकी है यहाँ पर। अंकल ने सब्जी काफी अच्छी बनाई है, देखने में तो बड़ी शानदार लग रही है। आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब। अभी यहाँ पे थोड़ी लकड़ी कम पड़ गई तो और अंकल लकड़ी लेकर आ रहे हैं, देखा ना शान वहाँ पर। दोस्तों तैयार हो चुकी है अंकल और आंटी की यहाँ पर सब्जी, खाना तैयार हो चुका है। अब ये लोग यहाँ से पका के लेकर जाएंगे दूसरी जगह पे जहाँ पर ये सोते हैं, वहाँ पर ये खाना खाएंगे। और इसी तरह से डेली इनका चलता रहता है, कभी मजदूरी लग जाती है तो काम पर चले जाते हैं, 300-350 रुपये डेली मिल जाता है। और कभी हफ्ते में 2-3 दिन ही मजदूरी लगती है, बाकी दिन फ्री रहते हैं। और आंटी जी आपको क्या क्या बनाना आता है? दाल रोटी और सब्जी। बिरयानी वगैरह बनाती है? नहीं आती। अच्छा सादे सादा। कल क्या बनाया था आपने? कल दाल चावल बने थे। काम पर निकल जाएंगे, कोई नहीं मिलेंगे तो चले आते हूँ इधर दरगाह तरफ, बहुत से बैठे रहते। अच्छा इधर ही बैठी रहती हूँ मैं भी। मतलब आप मजदूरी पे नहीं जाते? नहीं जाती। तो आप फिर ऐसे ही कहीं पर भी बैठे रहते हैं टाइम गुजारने के लिए? तो फिर अंकल शाम को आते होंगे, फिर आप खाना बनाते होंगे साथ में? काफ़ी सारा धुआं उड़ रहा है यहाँ पे, लकड़ियाँ जल रही हैं तो है। अच्छा लकड़ी गीली है इस वजह से धुआं छोड़ रही है। चल आप ये कुछ रख लीजिए। अरे नहीं, कल की सब्जी हमारी तरफ से आपकी है, कल की सब्जी आप हमारी तरफ से खाएंगे आराम से। जो भी नहीं, जो भी आपको अच्छा लगता है आराम से लीजिएगा, पकाइएगा, जो भी है आप इतनी मदद कर सकते हैं हम भाई। नदी किनारे में खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है देख रहे हो? हाँ बस हमारा काम है, बस लोगों को चीजें दिखाते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए हमने एक आप लोगों की छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की। मिलकर काफी अच्छा लगा आप लोगों से। क्या नाम है आपका? मन्नू लाल। और आंटी जी आपका नाम? अरे पुष्पा। पुष्पा नाम है आंटी जी का। चलिए आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा आप। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये थी कहानी। तो हम लोग रास्ते में निकल रहे थे तो अंकल और आंटी दिखे, जो एक अंकल जो है लकड़ी बीन रहे थे, और फिर हमने दूर आके देखा तो आंटी जी चूल्हा जला के उस पर रोटी बना रही थी। तो इसलिए हमने सोचा यार काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी थोड़ी स्टोरी लग रही, तो उनके बारे में जाने क्या है पूरी कहानी, तो हमने उनसे बात की इसके बारे में। तो बाकी आप सब ने देखा क्या कहानी थी, क्या कर सकते हैं इसके बारे में यार। ये तो काम जो है लोगों की मजदूरियों का इंतज़ाम करना और लोग गरीबों की मदद करना है तो गवर्नमेंट का काम है यार। अब ऐसे लोग छूट जाते हैं तो यार गवर्नमेंट कर क्या रही है, अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में अपन। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में तो आप भी कमेंट करके बताइएगा वीडियो पे। जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।